ये हमारी कहानी का सार है। गोलू और राजू भाई और बहन है। और ये उनकी सारी दुनिया थी, ये छोटा सा मेला। करतब दिखाने वाले दूसरे लोग उनके दोस्त थे, परिवार थे, यही उनका घर था। उस दिन करतब दिखाने से पहले राजी अपने भाई को एक और लेकर गई। क्या तुम भूल गए छोटे भाई, उसने भाई से पूछा। और उसने भाई के हाथ पर राखी बांध दी, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। हालांकि ये त्योहार का दिन था, लेकिन तब भी उन्हें पैसे कमाने थे, इसलिए राजी रस्सियों पर चली और दर्शकों को करतब दिखाया। और गोलू प्राचीन समय की कठपुतलियों की कहानी सुना रहा था, जब असुरों ने उस धरती पर कदम रखे। बहुत समय पहले की बात है, एक असुर ने तपस्या की। ऐसी साधना को देखकर ब्रह्मा ने उसे अमर होने का वरदान दिया और दिया एक सबसे शक्तिशाली अस्त्र। उसे पाने के बाद उसने सभी असुरों को युद्ध के लिए बुलाया। भूमि देवी ने उसे रुक जाने के लिए कहा। उसने भूमि देवी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। इससे भगवान शिव बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपना पैर पटका और महाद्वीप अलग हो गए। साथ ही असुर हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन जैसे ही वो बोला, आसमान में अंधेरा छा गया और पृथ्वी कांपने लगी और असुरों जैसे दिखने वाले लोग भीड़ में से निकलने लगे। लेकिन ये मुखौटे नहीं थे और ये बच्चों की कहानी नहीं थी। जैसे ही असुर सबको मारने आए, राजी ने अपने भाई के पास जाने की कोशिश की। उसे चोट लगी थी और वो डरा हुआ था, और वो जानती थी कि उसे अपने भाई को बचाना ही होगा। लेकिन राजी तब हार गई जब गड़ासुर के असुर गोलू को ले गए। राजी जागो मेरी बच्ची,
जगह है। बहुत ही छोटी है। एक बच्ची, भगवान शिव के शब्द याद कीजिए। एक मानव के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। क्या ये शक्तिशाली है? ये तो समय बताएगा। उसके भाई और दूसरे बच्चों को गदासुर ले गया। मैंने उससे कहा था कि उसे शक्तिशाली बनना होगा। उसकी यात्रा अनजानी और बहुत मुश्किलों से भरी होगी। मैंने उसे आशीर्वाद में त्रिशूल दिया है, मेरा सबसे शक्तिशाली अस्त्र जो भगवान शिव ने मुझे दिया था। इस त्रिशूल और राजी की खुद की पवित्रता और शक्ति से उसके भाई की जिंदगी बच जाएगी। बिल्कुल शांत नहीं है, वो दिल से सोचती है। वो अंधेरी गुफा में बिना डर के चलती है, वो खंभों पर चढ़ती है, वो एक देवी के सामने बिना किसी डर के खड़ी है। हर हर महादेव। उसके अंदर एक आग है। हाँ, इसे खुद को संभालना होगा, लेकिन इस आग के बिना ये पहले ही हार मान चुकी होती। बहुत से मानव इस तरह बहादुरी से नहीं चढ़ पाते। हमारी राजी को ऊंचाई से डर नहीं लगता, देखिए। उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन के कर्तव्य इस्तेमाल करना भी। खंभे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना अलग बात है। अपने भाई को बचाने के लिए राजी को असुरों का सामना करना पड़ेगा। उसने त्रिशूल पकड़ा और वो बहुत शक्तिशाली अस्त्र था। इसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव से आशीर्वाद मिला था और ये उसके भयानक शत्रु का सामना करने में उसकी सहायता करेगा। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। इसे धारण करने से पहले उसे शक्ति, हिम्मत और भरोसे की जरूरत होगी।
किसी ने मेरे भाई को देखा? दूसरी गाड़ी, उनके लौटने से पहले जाऊं। तुम उसे कहां ले जा रहे हो? बेचारी बच्ची, वो रास्ता ढूंढ लेगी। अपनी धड़कन सुनो, युद्ध के नगाड़े जैसी। अपने दिल की सुनो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। लड़ो राजी, योद्धा बनो। कमजोर है और त्रिशूल का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है।
रेखा, मेरी बच्ची, वे तुम्हारी जितने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन संभल कर, फिर दुश्मन तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे। देखो वो करतब दिखाती है हमारी राजी, देखिए वो क्या कर सकती है। मंडल सभी को बीता हुआ कल दिखाता है। इन झलकों का हमेशा कोई मतलब होता है। वहां अमृत बूंद, सुनहरा शहद, असुर को मारने का इनाम, इसकी शक्तियों से तुम्हारे घाव भर जाएंगे। Thank you.
काली का मंदिर। आपकी बहन के मंदिर में हमेशा बलि से भोग चढ़ता है। राजी इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर वो सावधान रहे तो। आपको मानना पड़ेगा वो कर लेगी। उसे युद्ध की कला की जरूरत होगी, ये सच है, और इनकी परीक्षा भी होगी। लेकिन शक्तिशाली होने से मेरा मतलब ये नहीं था। यहाँ महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, दुष्ट आत्मा, लेकिन उसके बिना आप नहीं आती। यही समय है जब उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था। उसे कोई आदमी नहीं मार सकता। यहां महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसने सभी देवताओं को हरा दिया और निकाल दिया, यहां तक कि इंद्र को भी। जन्म देवी दुर्गा,
देवों को पता था कि उनके पास यही मौका है कि वे अपने शत्रु को खत्म करने वाला कोई जीव बना सके। उनकी सारी शक्तियां एक शरीर में सभी अस्त्रों के साथ। मैं सोचता हूं आपके विचार क्या रहे होंगे। उसे हरा दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। आप शेर की सवारी करते हुए युद्ध में सबसे आगे थी। सभी देव आपके पीछे थे। एक नई हिम्मत के साथ महिषासुर ने अपना असली रूप लिया। एक भयावह भैंसे के रूप में पैर पटकता हुआ, योद्धाओं को अपने पैरों से कुचलता हुआ और अपने सींगों से सभी को हवा में उड़ाता हुआ। आपने अपने त्रिशूल से घातक प्रहार किया था। आपके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हालांकि महिषासुर ने स्वर्ग को हिला दिया था। आपकी आंखों में युद्ध की ज्योति, माथे पर लगन। मैं जानता था देवों ने क्या बनाया है और मैं ये भी जानता था कि दुनिया में क्या बदलने वाला है। हर बुराई के लिए था। वो इस जगह की बुराई महसूस कर सकती है। आप चौंक गए? महाबलासुर के असुरों ने भूमि देवी के एक पवित्र पेड़ को खराब कर दिया है। इस तरह की बुराई रोकने के लिए ही भगवान शिव ने उसे बंदी बनाया था। बुराई है क्या? सभी चीजें बदलती हैं।
पेड़ ने राजी को गोलू की एक झलक दिखाई। काले बादल, एक भयंकर तूफान दुनिया को तबाह करने की चेतावनी दे रहे हैं। और इन सब के पीछे शक्तिशाली और दुष्ट असुर हैं। ये रास्ता जयघर के किले के ओर जाता है। वो शक्तिशाली है देवी दुर्गा। हाँ वो है। मुझे उम्मीद है कि वो उसे सहन कर पाएगी जो वो अंदर देखेगी।